सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये जाने कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग समक्ष लाती। इसलिए सीमाएं तो जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न कर, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। मैं हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मेरे वापस लौटते ही तुम्हारा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। कदाचित हमारी सोच में मतभेद हो, परंतु हमारे पक्ष में कोई मतभेद नहीं। सुना है कि वासुदेव शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये युद्ध टल जाए। नहीं, युद्ध होना निश्चित है। हाँ, वासुदेव स्वयं आ रहे हैं तो अवश्य कोई बात होगी। देख रहे हो दुर्योधन, ये कोई साधारण धातु नहीं है, बहुत विशेष धातु है ये, जिसका आविष्कार असुरों ने किया था देवों को बांधने के लिए। इससे सक्षम और कठोर कुछ हो ही नहीं सकता, उस छलिए को बांधने के लिए। अब उसके आते इसी से उसे बंदी बना लेंगे। बहुत अच्छे मामा श्री, सबसे कठोर धातु की श्रृंखला। हाँ, देखो मैंने कहा था ना तुमसे। परंतु मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कितनी कठोर है। तो कर लो प्रयास। दासों, मामा श्री को इसमें बांध दो। ये 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 क्या कह रहे हो तुम? मुझे श्रृंखला से बांध दिया जाए। बांधो! अरे बांधो बांधो। अब देखते हैं ये श्रृंखला कितनी सक्षम है। हाँ।
पसंद है ये, ये अद्भुत है। अब हुआ पूर्ण प्रबंध उस वासुदेव के स्वागत का। देख रहे हो दुर्योधन, ये वही छलिया कृष्ण है जो अपने चाल में अपने छल में सबको फंसाता रहता है। ग्लानिर्भवति भारत। आज ये स्वयं मेरे रचाए चक्रव्यूह में फंसने आ गया। इसे ज्ञात नहीं है कि आज ये इस प्रासाद से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। यदा यदादि धर्मस्य आविर्भवति भारत। प्रणिपात हस्तिनापुर नरेश। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात गंगापुत्र। कल्याण हो वासुदेव। प्रणिपात समधिश्री। स्वास्थ्य। प्रणिपात गांधार नरेश। प्रणिपात मुरली मनोहर, आपका स्वागत है हस्तिनापुर में। प्रणिपात वासुदेव, मैं समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने शांति प्रस्ताव को एक अवसर दिया और हस्तिनापुर आए। अवसर तो धर्मराज ने दिया है महात्मा विदुर, अपने बड़ों के प्रस्ताव को आदर देकर। मैं तो बस उनका संदेश यहां लाया हूं। वासुदेव, संदेश अपने स्थान पर है। मुझे तो आपको हस्तिनापुर में देखकर ही प्रसन्नता हो रही है। मुझे ज्ञात है युवराज, और आशा भी कि आपने मेरे स्वागत की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली होगी। अवश्य, आप मेरे समधी जो हैं। चलिए
आइए मेरे कक्ष में चलते हैं। मेरे कक्ष में चल के आदर सत्कार ग्रहण कीजिए। आपके मुख से ऐसे वचन सुनकर संतोष हुआ युवराज, और अधिक प्रसन्नता इस बात की हुई है कि आपने मुझे शांति दूत के रूप में स्वीकार किया। ये शांति प्रस्ताव के बारे में हम कल बात करेंगे। आप यात्रा से आए हैं, विश्राम करें, थकान दूर करें। आई क्यों नहीं युवराज, अवश्य। क्या हुआ वासुदेव, आप ठहर क्यों गए? मैं आपके सत्कार भाव का सम्मान करता हूं युवराज, परंतु मैं शांति दूत शरणागत नहीं, और वैसे भी पांडवों ने मुझे अपने पक्ष में चुना है। और नीति अनुसार एक दूत आतिथ्य तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसका कार्य पूर्ण ना हो जाए। इसलिए क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं आपका सत्कार ग्रहण नहीं कर सकता। परंतु फिर आप कहां ठहरेंगे? आप उसकी चिंता ना करें युवराज, मेरे पास अपनी व्यवस्थाएं हैं। आइए भी ना वासुदेव, आप हमारे यहाँ पधारे, हम धन्य हुए हमारे यहाँ आकर हमें कृतार्थ करें। हमने आपकी ऐसी व्यवस्था की है वासुदेव, कि आप हस्तिनापुर छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो सदा रहे, और ऐसा कुछ नहीं जो सदा ना रहे। तो फिर मेरे यहां होने ना होने का क्या अर्थ रह जाता है गांधार नरेश? वासुदेव, आपके कहने का तात्पर्य कुछ पकड़ में नहीं आया। यदि सागर में अपना हाथ डालोगे तो ऐसा अनुभव होगा कि संपूर्ण सागर तुम्हारा है गांधार राज, और यदि उसी सागर को मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि उसमें डूब जाए, प्रणिपात। क्या राय है इस चलिए के मन में? कहीं से हमारी योजना का भान तो नहीं हो गया? शांत रहो दुर्योधन, शांत रहो। आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल तो इसे सभा में आना ही होगा, और ये आएगा क्यों? शांति दूत है, इसे अवश्य आना होगा, और फिर हमारी योजना सफल। वासुदेव, आपका आतिथ्य बनने का सौभाग्य मिला मेरे लिए सम्मान की बात है। आशा करता हूं ज्येष्ठ पांडु पुत्रों की ओर से कोई सकारात्मक संदेश लाए होंगे। संदेश तो मैं लाया हूं महात्मा विदुर, परंतु वो संदेश मैं कल सभा में सबके समक्ष रखूंगा। प्रणिपात माधव, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे आराध्य मेरे घर पधारे हैं। सेवक, प्रभु के लिए
भोजन लेकर आओ। भोग लगाइए प्रभु। मेरा प्रिय मिष्ठान नहीं दिखाई दे रहा। जानती हूं आपको मिष्ठान बहुत प्रिय है वासुदेव, परंतु जब से कुलवधू का राजसभा में अपमान हुआ हमने मिष्ठान त्याग दिया। हाँ वासुदेव, उसी दिन कुरुकुल के पतन का प्रारब्ध लिखा जा चुका था, जिसके कुल का नाश हो रहा वो विलाप करता मिष्ठान कैसे खा सकता। उसी दिन से हम ये साधारण भोजन ग्रहण करते। ये विनाश एक नए आर्यव्रत को जन्म देगा महात्मा। जब अन्याय से न्याय के त्राण के लिए रणभेरी बजे तो वो अवसर शुभ ही होता है, और शुभ अवसर पर मिष्ठान आवश्यक है, और मैं यहां भोजन पर निमंत्रित हूं। अपना प्रिय मिष्ठान खाए बिना यहां से जाने वाला नहीं मैं। आइए मिष्ठान ग्रहण कीजिए। वाह काकाश्री वाह। छप्पन भोग का आनंद लिया जा रहा है। आओ पुत्र दुर्योधन, तुम भी मिष्ठान ग्रहण करो। मिष्ठान नहीं, वो क्या है ना काकाश्री, मेरे मन में जो कड़वाहट भर दी है आपने, इस मिष्ठान की मिठास से मिट नहीं सकती है। कितने कितने दोगले हैं आप, मन में कुछ और रखते हैं और वाणी में कुछ और। तुम क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। परंतु मुझे समझ में आ रहा है, मैं समझ गया हूं कि आप इतने वर्षों से क्या करना चाहते हैं। अब मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। वासुदेव हस्तिनापुर आए, ये मेरे संबंधी है, और इन्होंने अपनी सेना की शक्ति भी मुझे दी है, तो दोनों ही नाते से इनका सम्मान सत्कार करने का अधिकार पहले मेरा है। परंतु आपने क्या किया, आपने यहां ले आए ताकि आप अपने स्वार्थ और षड्यंत्र को पूर्ण कर सके। परंतु वासुदेव को निमंत्रित करने में मेरा क्या स्वार्थ है दुर्योधन? अरे स्वार्थ है काकाश्री, रा
राज्यसभा में प्रस्थान से पूर्व आपने यहाँ इसलिए लाए ताकि आप अपने वो प्रिय पांडवों के पक्ष में ने उकसा सके। स्वार्थ है।